नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स का बाजार किस तरह देखने मिल सकता है। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर पिछले हफ्ते काफ़ी एक दायरे में कारोबार कर रहे थे, एक छोटे से दायरे में, जहाँ पर गोल्ड का दायरा 47,800 से 48,200 के बीच था डोमेस्टिक मार्केट यानी M6 पर, और ग्लोबली स्पॉट गोल्ड का जो दायरा था वो $1770 से $1795 का था, तो काफ़ी एक नैरो रेंज में ट्रेड था। वहीं पर चांदी में $22 के करीब के लोज देखने मिले, लेकिन जो रेंज थी वो $22 से $22.60 के बीच की थी, यानी काफ़ी एक छोटा सा दायरा बना हुआ था। हफ्ते का अंत आते आते हमने देखा, फ्राइडे के दिन जब CPI डेटा आया उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी स्थिरता या स्टेबिलिटी देखने मिली है लोअर लेवल्स पे, और गोल्ड ने इवेंचुअली जो हफ्ते का क्लोज है वो 48,100 के ऊपर दिया है डोमेस्टिक मार्केट्स में, और $1780 के ऊपर स्पॉट गोल्ड में दिया है। वहीं चांदी ने भी 61,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी दिखाई है। तो आने वाले सप्ताह में ऐसा लगता है कि ये जो एक स्थिरता है लोअर लेवल्स पे बाइंग हमें देखने मिली है, वो बाइंग आगे भी जारी रहेगी और हम अपसाइड में 48,350 से 48,400 के लेवल देख पाएंगे, यानी डॉलर टर्म्स में $1800 तक के लेवल हमें स्पॉट गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी ऐसा लगता है कि 62,000 रुपये के करीब के लेवल हमें डोमेस्टिक मार्केट्स में मार्च वायदा में देखने मिलेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $22.8 से लेकर $23 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं स्पॉट सिल्वर में। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने जो महंगाई दर देखी है वो काफ़ी ऊंचे स्तरों पे है। अगर मैं कोर CPI की बात करूँ तो 1991 से US में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है 4.9% के आसपास। वहीं पर अगर मैं हेडलाइन CPI नंबर की बात करूँ US में, जो एक महंगाई दर या इन्फ्लेशन का गेज है, तो 1982 से सबसे हाईएस्ट लेवल पे है 6.8% के आसपास। हालांकि ये अनुमान के हिसाब से था या फोकस के इन लाइन था, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो निचले स्तरों पे डेफिनेटली गोल्ड को खास करके एक सपोर्ट देने में कामयाब रहेगा, और यही हम देख रहे हैं कि 1770 से $1760 के आसपास आके गोल्ड में इमीडिएट तौर पे बाइंग दिखाई देती है, और $1800 से $1815 तक की एक रैली दिखाई दे रही है। तो ये एक चीज़ है जो गोल्ड को लोअर लेवल्स पे सपोर्टेड रखेगी। वहीं अब बेस मेटल्स की बात करें तो एक दायरे का कारोबार देखने मिला, तो 740 के ऊपर तो हमने कॉपर को ज़रूर जाते हुए देखा, लेकिन 730 के करीब पे क्लोजिंग आई है, यानी ऊपरी स्तरों पे सस्टेनेंस नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो एक करेक्शन है ये जारी रहने की उम्मीद रहेगी, और 724 और उसके बाद 718 तक के स्तर हमें कॉपर में देखने मिलेंगे। वहीं पर जिंक ने भी 280 के करीब के हाइज लगाए थे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 277 की हुई है, तो ऐसा लगता है कि 274 से 273 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में हमने 215 के हाइज भी देख लिए, लेकिन क्लोजिंग 213 की आई है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि एल्यूमिनियम क्योंकि 260 से लगातार 203 तक गिरा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव की उसे ज़रूरत है। हो सकता है हम आने वाले हफ्ते के इनिशियल दौर में 216 से 218 तक के स्तर भी देख पाएँ, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो ऐसा लगता है कि 203 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं, यानी आने वाले 2 से 3 हफ्तों में प्राइस अगर ऊपर जाती भी है तो ज़्यादा सस्टेन होना डिफ़िकल्ट रहेगा। वहीं पर लेड में भी काफ़ी लैकलस्टर ट्रेड जिसे कहते हैं, यानी एक दायरे का कारोबार देखने मिला है। डाउनसाइड में 182, अपसाइड में 187 से 188 के लेवल देखने मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि साइडवेज टू लोअर ट्रैजेक्टरी में प्राइसेस चलती रहेगी, या तो सीमित दायरे में कारोबार होगा या फिर निचले स्तरों के करीब होगा। तो शॉर्ट टर्म में सेल ऑन रैलीस की एक रणनीति लेड में बनाई जा सकती है। वहीं निकल में फिलहाल प्राइसेस जो हैं रिएक्ट नहीं कर रही हैं, काफ़ी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, और ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में भी यही सीमित दायरा जारी रहेगा। तो बेस मेटल्स में चीन को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, खास करके एवरग्रैंड जो उनकी काफ़ी बड़ी और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल इस्टेट कंपनी है, उसके जो डेट डिफ़ॉल्ट की दिक्कतें हैं, चाइना में जो स्लोड ग्रोथ स्लोडाउन हुआ है, उसके चलते बेस मेटल्स में
ऊपरी स्तरों पे सस्टेन होना थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, और यही जो एक ट्रेंड है हमें आने वाले 3 से 4 हफ्तों में दिखाई देगा। आने वाले हफ्ते में भी ऐसा लगता है जो रुझान रहेगा शुरुआती दौर में नीचे की तरफ रह सकता है। वही अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि कच्चे तेल में जो पिछले हफ्ते एक शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी 4,700 के स्तर से, वो एक्सटेंड हुई और 5,525 के ऊपर के हाइस हमने देखे। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज था वो 5,400 के करीब हुआ। ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते के शुरुआती दौर में जब तक 5,220 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रही हैं तब तक डिप पे बाइंग अट्रैक्ट होती रहेगी और 5,600 के स्तर भी देखने मिलेंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि ओमिक्रॉन वायरस के चलते और चीन में जो दिक्कतें हैं उसके चलते खास करके, और सेकेंडली जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR से जो उम्मीद है कि एक ऑयल रिलीज होगा उसके चलते अपसाइड जो होगा वो कच्चे तेल में कैप रहने की उम्मीद है। वहीं पर नेचुरल गैस में हमने देखा है कि नेचुरल गैस में क्योंकि US में उतनी ठंड का माहौल नहीं है जो फियर किया जा रहा था, जिसका डर था हमें सितंबर या अक्टूबर में, और क्योंकि इन्वेंट्रीज अपने फायर एवरेज से सिर्फ 3 या 4% ही नीचे हैं, यानी सफिशियंट सप्लाई होने की उम्मीद है। इस वजह से हमने काफ़ी भारी गिरावट पिछले 2 हफ्तों में आती हुई देखी है, जहां पर 405 के स्तरों से हमने लगभग 273 के लोज देखे। क्योंकि इतनी बड़ी और भारी गिरावट हुई है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना लाजमी लगता है, और वही हमें दिखाई दे रहा है। 300 के करीब के क्लोजिंग आई है प्राइजेस में, और ऐसा लगता है ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये जारी रहेगी और 308 से 310 तक के स्तर आने वाले हफ्ते में हमें दिखाई देंगे। हालांकि ऊपरी स्तरों पे प्राइजेस का टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो 310 के करीब जाकर हो सकता है दोबारा हमें एक फॉल देखने मिले, तो लिमिटेड अपसाइड रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में हमें नेचुरल गैस में भी एक अपसाइड मूव देखने मिलेगा। हालांकि 310 के करीब के स्तर से हो सकता है हमें दोबारा 280 से 285 तक के स्तर देखने मिल जाए। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और बेस मेटल्स में हमें क्या रुझान देखने मिल सकता है। धन्यवाद।